हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी घर पर ही हम ग्लो सीरम कैसे बना सकते हैं। और ये यहाँ मेरे पास चार अलग अलग तरह के ग्लो सीरम मैंने बनाए हैं, आइए देख लेते हैं। ये चार अलग अलग तरह के अलग अलग स्किन टोन के हिसाब स्किन टाइप के हिसाब से हैं, जैसे कि ड्राई स्किन के लिए अलग है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग है, ऑयली स्किन के लिए अलग है और सेंसिटिव स्किन के लिए अलग से है। तो आइए हम देख लेते हैं कि मैंने इन सीरम्स को कैसे बनाए हैं और कितना ये वर्क करते हैं और किस तरह से हमें इसे लगाना है। तो हम इन ग्लो सीरम को इजीली अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक इनको फ्रिज में रख सकते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में हम इनको रख सकते हैं, कुछ भी इनका होता नहीं है। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ चाहिए ये सब चीज़ें, जिसमें सबसे पहली होगी सौंदर्य एलोवेरा, और फिर होगा रोज़ वाटर, फिर होगा यहाँ घी यानी कि प्योर देसी घी, आप जो भी यूज़ करें, काओ का भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद होगा विटामिन ई, और उसके बाद होगा एक कोई भी प्लास्टिक बॉटल जिसमें कंटेनर जिसमें हम कंटेन कर सकें, छोटा सा ही कंटेनर चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस इंग्रेडिएंट को कैसे क्या मिक्स करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं सौंदर्य एलोवेरा, मैंने यहाँ पे येलो एलोवेरा लिया है, इसमें केसर के भी गुण है इसलिए मैंने ये लिया, आप चाहें तो नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। अब इसमें एलोवेरा में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये स्किन डैमेज को प्रिवेंट करता है, डलनेस को रिड्यूस करता है, बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है इससे हमारे फेस पे, और स्किन की फर्मनेस मेंटेन रखता है, यानी स्किन को ये लूज़ नहीं होने देता, तो इसीलिए एक नेचुरल एंटी एजिंग भी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ रोज़ वाटर की, तो रोज़ वाटर हमारे स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखता है, रीवाइटलाइज कर देता है हमारे स्किन टिश्यूज़ को, और हमारे स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह एक्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसमें। और आइज़ के अंडर अगर हम इसको यूज़ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आइज़ के अंडर का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और एक अच्छा सा ग्लो भी आता है रोज़ वाटर से। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल्स, आप कोई भी कैप्सूल्स ले सकते हैं, ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो विटामिन ई एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है, स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, कोई भी ब्लेमिश दाग धब्बा है, डार्क स्पॉट है, उनको ही हटा देगा, ये कुछ इस तरीके से कैप्सूल्स आते हैं, आप देख सकते हैं। यूवी जो डैमेज स्किन होती है, यानी अल्ट्रावायलेट डैमेज स्किन, जो स्किन सन की वजह से हमारी डैमेज हो जाती है, उसको भी ये प्रिवेंट करता है, रिंकल्स हटाता है, फाइन लाइन हटाता है, डार्क स्पॉट हटाता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं हमारे स्किन के लिए और हमारी स्किन को यंग भी रखता है। और उसके बाद हम बात करते हैं देसी घी की, तो देसी घी तो एक इतना अच्छा इंग्रेडिएंट है कि मैं जिसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र है ये, मैं यहाँ पे ये देसी घी यूज़ कर रही हूँ, इससे स्किन हमारी नेचुरली शाइनी बनती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं देसी घी में, स्किन वाइटनिंग होता है, डल स्किन को ठीक करता है और एक नेचुरल अच्छा सा ग्लो लेके आता है हमारे फेस पे। तो मैं सबसे पहले कंटेनर ले लूँगी और उसमें 2 स्पून मैंने यहाँ एलोवेरा के ऐड किए, आप देख सकते हैं येलो एलोवेरा मैंने यहाँ लिया है, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ आप ग्रीन भी ले सकते हैं। ये हम बना रहे हैं ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए, उसे मैंने 1 स्पून रोज़ वाटर ऐड कर दिया है एंड लगभग 1/2 स्पून, बहुत ज़्यादा घी हमें ऐड नहीं करना है, ड्राई स्किन है इसीलिए मैं यहाँ पर इतनी क्वान्टिटी यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इससे भी कम यूज़ करूँगी, आप देखते जाइए। और उसके बाद एक विटामिन ई का कैप्सूल मैं ऐड कर दूँगी। अब देखिए क्या है ना, अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से मैं सीरम्स बना रही हूँ, बट कुछ कुछ ही चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो आप देखते जाइए। अब ये हमारा ड्राई स्किन एक्स्ट्रा ड्राई स्किन का बनके रेडी हो गया, अब हम देख लेंगे ऑयली स्किन के लिए हमें ग्लो सीरम कैसे बनाना है। तो ऑयली स्किन के लिए हमें चाहिए सौंदर्य एलोवेरा, ग्लिसरीन, विटामिन ई और अगेन एक कंटेनर। तो उसमें भी आप देख सकते हैं 2 स्पून मैंने एलोवेरा के ऐड कर दिए हैं, उसके बाद 1 स्पून रोज़ वाटर का ऐड कर दिया है, और उसके बाद हल्का सा मैं ग्लिसरीन ऐड करूँगी। अब ग्लिसरीन बहुत अच्छा क्लिंजर होता है ऑयली स्किन के लिए, जितना भी डस्ट जो भी पोल्यूशन पार्टिकल्स कुछ भी आपके स्किन में होगा वो हट जाएगा, स्किन को इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, एक मतलब इसके फर्स्ट यूज़ से ही आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा, स्किन को यूथफुल बनाता है, ग्लोई बनाता है, रिंकल्स हट जाएंगे आपकी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, आपकी स्किन एक नेचुरली सॉफ्टनेस और स्मूथनेस आ जाएगी आपकी स्किन में। तो आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लेंगे एंड आपका यहाँ ये ग्लो सीरम रेडी है। और ग्लिसरीन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर्बल लिया है, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, 100% ग्लो
प्योर ग्लिसरीन जिसमें हो आप वो ग्लिसरीन यूज़ कीजिए। अब हम ग्लो सीरम बनाएंगे नॉर्मल स्किन के लिए, यानी अगर आपकी स्किन ना तो ड्राई है ना ऑयली है, बिल्कुल नॉर्मल साइड पे है, जो कि बहुत लकी होते हैं वो लोग, तो उनके लिए हमें ग्लो सीरम कैसे बनाना है, क्योंकि उनमें हमें कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा, ग्लिसरीन, आमंड ऑयल, रोज़ वाटर एंड विटामिन ई। तो इनमें से सभी इंग्रेडिएंट्स रिपीट हैं एक्सेप्ट फॉर आमंड ऑयल। और आमंड ऑयल से क्या होगा, ये बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन ई का, स्किन को नरिश करता है, बहुत सॉफ्ट बना देता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से, इन्फ्लेमेशन अगर आपके फेस पे है, रेडनेस है, अगर कोई डार्क सर्कल हैं, सब हट जाएंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा और काफ़ी आपकी स्किन जो एकदम से ग्लो करेगी, शाइनी बन जाएगी, आपको विजुअल डिफरेंस लगेगा एक दो बार यूज़ करने से ही। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि आमंड ऑयल में, तो ये यूवी रेज से भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपको देता है। तो ये जो भी ग्लो सीरम्स मैं आपको बता रही हूँ, इनके एक या दो यूज़ से ही आपको विजुअल डिफरेंस लगेगा गाइज, यस, क्योंकि मैं इसको खुद भी यूज़ कर रही हूँ। तो अब देख लेते हैं हमें इसको बनाना कैसे है। वही हम दो स्पून एलोवेरा की लेंगे, आप देख सकते हैं मैंने दो स्पून ले ली हैं। इतना रोज़ वाटर कंटेंट लेंगे, यानी लगभग एक छोटी स्पून जो हमारी होती है वो लेंगे। उसके बाद हम ग्लिसरीन यहाँ ऐड कर रहे हैं, और ग्लिसरीन की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका स्किन जो है वो थोड़ा ऑयली भी लग सकता है। उसके बाद मैंने आमंड ऑयल यूज़ किया है, विटामिन ई कैप्सूल डाला था, ये आमंड ऑयल मैंने डाला था अभी जो स्पून थी, और इसको भी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालेंगे, मतलब फुल स्पून से थोड़ा सा कम हो और हाफ से ज़्यादा हो इतनी क्वांटिटी हम डालेंगे, अदरवाइज स्किन हमारी ऑयली हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए क्या यूज़ करनी है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए ना गाइज हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पीपल जो होते हैं उनकी कंप्लेंट्स रहती है कि कोई भी चीज़ वो लगाते हैं या कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ही रेडनेस उनकी स्किन में आ जाती है, बहुत ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं। तो हमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने पड़ते हैं सेंसिटिव स्किन पे, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बताऊँगी, सिर्फ एलोवेरा, और क्योंकि इसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो भी मैंने सब आपको बताया है। आमंड ऑयल मैं लूँगी, और यहाँ मैं विटामिन ई का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, ग्लिसरीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ग्लिसरीन से स्किन पे सेंसिटिव स्किन पे थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, चांसेस हैं कि हो सकती है। अब गाइस देखिए, मैंने जितने भी आपको ये ग्लो सीरम बनाने सिखाए हैं इन सबका एक ही फॉर्मूला, मतलब एक ही फंडा है लगाने का, कि हमें कोशिश करनी है कि हम जब रात को सोएं उससे पहले हमें इसको अप्लाई करें। और कैसे इसको अप्लाई करना है वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, और इसको अप्लाई करके फिर हमें सो जाना है बेसिकली, क्योंकि रात को जो हमारी स्किन है वो रिजुविनेट करती है, और उसकी वजह से हमारी स्किन पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो और बहुत एक अच्छा सा टेक्सचर हमारी स्किन का बहुत स्मूथ सफल हो जाता है। तो ये देख लेते हैं इसको हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले वही स्पून का यूज़ करते हुए मैं दो स्पून डाल दूँगी एलोवेरा के, और हाफ स्पून मैं यहाँ घी का डाल रही हूँ, और एक स्पून मैं रोज़ वाटर की डाल रही हूँ, और लगभग हाफ स्पून मैं यहाँ पे आमंड ऑयल की डाल रही हूँ, और इसको हम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। तो ये देख लेते हैं हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मैं नॉर्मल स्किन टाइप हूँ इसलिए मैं ग्रीन वाला यूज़ कर रही हूँ, यानी जो मैंने नॉर्मल स्किन के लिए बनाया था। आप अपनी स्किन टाइप के और स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर से पहले हमें फ़ेस को क्लीन कर लेना है और फेस की टोनिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे, और पहले थोड़े हल्के हाथ से और फिर थोड़ा सा टाइट हाथ से हम इसकी मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है, और ये कुछ स्टेप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन जो है फर्म बनेंगे ना, टाइट बनेगी, लूज़ नहीं होगी, लटकेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं एक सप्पल सा ग्लो मेरे फेस पे आ गया है, और आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।